तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप जो स्वामी विवेकानंद का पोस्टर कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको पोस्टर उस तरह बनाना सीखना है तो आप दोस्तों जो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे, कैसे क्या करना है सब कुछ मैं आपको जो इस वीडियो में ही बताऊँगा। तो चलिए फटाफट जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि इसका जो बैनर यानी कि जो बैनर है इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें जो पासवर्ड लगा वो पासवर्ड आपको वीडियो में ही तीन जगह पर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको पासवर्ड देखना है तो आप जो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए अभी फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको जो इधर पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको जो एक लिंक देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे दोस्तों तो ये जो लिंक है आपको पूछेगा कौन से ब्राउजर में इस लिंक को ओपन करना है। तो मुझे जैसे इस लिंक को मान लीजिए क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है, तो इधर मैं जो है क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करूंगा। तो ये रहा मेरा क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन, चलिए यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया तो जो मेरा लिंक है क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन में ओपन हो चुका है। और इधर पे आप देखते हो ओपन होते कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का आइकन छोटा सा, आपको यहाँ क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इधर भी अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को अभी ओपन करना है। तो चलिए जब तक मेरा डाउनलोड हो रहा है तब तक चलिए अभी अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन कर ले रहे हैं। तो ये रहा मेरा फाइल मैनेजर एप्लीकेशन, चलिए यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों अभी आपको इधर पे फ़ोन स्टोरेज के ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद अभी आपको उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपका जो भी डाउनलोड मटेरियल जो कुछ भी होता है आपका ऐड होता है जिस फोल्डर में, आपको उस फोल्डर में जाना है। मेरा जो कुछ भी डाउनलोड मटेरियल है दोस्तों तो मेरा जो डाउनलोड के फोल्डर में ही ऐड होता है, तो ये रहा डाउनलोड का फोल्डर, चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो इधर पे आप देख सकते हो स्वामी विवेकानंद के नाम से एक जीआईएफ फाइल इधर पे ऐड हो चुका है। यानी कि अभी मैंने जो फाइल को डाउनलोड पे लगाया तो मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो इधर पे आप देख सकते हो। तो अभी आपको इस फाइल को जो एक्सट्रैक्ट करना होगा क्योंकि जो फाइल अभी आपका जीआईएफ में है, तो चलिए इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इधर मुझे जो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑप्शन पूछेगा, इधर पर आप देख सकते हो। तो अभी आपको जो एक्सट्रैक्ट ऑल करके लिखा गया यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद इधर पर जो मैं क्लिक सेलेक्ट करता हूँ एक्सट्रैक्ट टू डाउनलोड का ऑप्शन को, अभी दोस्तों आपको यहाँ पे वो पासवर्ड डालना है जो आपको वीडियो में तीन जगह पे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वो पासवर्ड को मैं इधर पे टाइपिंग करके लिख ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ आगे आपको वीडियो में करना क्या है। तो चलिए इधर मैं जो पासवर्ड को टाइपिंग करके लिख ले रहा हूँ। तो दोस्तों इधर मैंने जो पासवर्ड को टाइपिंग करके लिख लिया हुआ, लिखने के बाद आपको इधर पे जो ओके का ऑप्शन है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको जो फाइल स्टार्ट करने के लिए पूछेगा, तो इधर पे चलिए स्टार्ट के ऑप्शन क्लिक करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप अपने फाइल को स्टार्ट करते हो तो आपको जो जीआईएफ फाइल है आपको एक फोल्डर में कन्वर्ट होकर देखने के लिए मिलेगा। तो इधर पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह मेरा जो फोल्डर बन चुका है। और जैसे मैं इस फोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पीडीएफ फाइल इधर पर आ चुका है, देख सकते हो। इतना काम करने के बाद दोस्तों अभी आपको जो अपने पिक्सेल लोकेशन को ओपन करना है, तो चलिए मैं अपने पिक्सेल लोकेशन को ओपन कर ले रहा हूँ। तो ये रहा मेरा पिक्सेल लोकेशन, चलिए यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो स्टार्टिंग मुझे कुछ इस तरीके जो ऑप्शन पूछेगा, तो इधर आपको जो कैंसिल करना है। इतना करने के बाद दोस्तों अभी आपको इधर पे थ्री डॉट के ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद इधर पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो ओपन पीडीएफ फाइल करके ऑप्शन है तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाओगे। अभी आप यहाँ पे देखोगे डॉट पीएलपी करके लिखा गया, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों आपको जो अपने फोल्डर में लेके आ जाएगा। तो अभी आपको उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने उस पीएलपी फाइल को ऐड किया हुआ है, यानी कि जो डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट किया हुआ है फोल्डर, उस फोल्डर में आपको जाना है। तो इधर पर देख सकते हो स्वामी विवेकानंद के नाम से एक फोल्डर इधर पर दिखाई दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पीएलपी फाइल इधर पर दिखा रहा है। तो जैसे दोस्तों मैं जो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते इधर मुझे जो दो ऑप्शन पूछ जाते हैं, पहला ऑप्शन इधर ओपन ओनली करके लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन जो ओपन है ऐड करके लिखा गया है। तो इधर पे जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप इस फाइल को यानी जो पीएल फाइल आपका इसको केवल ओपन करना चाहते हो आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। अगर आप इस पीएल फाइल को ओपन भी करना चाहते हो और अपने पिक्सेल लोकेशन में ऐड भी करना चाहते हो तो आप उसके लिए जो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इधर पे आपको दोस्तों जो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करते ही आपको जो पीएल फाइल है आपके पिक्सेल लोकेशन में ऐड हो जाएगा। इधर पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इधर पे आपको क्या क्या एडिटिंग करना है, कैसे आपको इधर पे बनाना। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर पे देख सकते हो, इधर पे आपको जो सबसे पहले आपको इस फोटो सेलेक्ट करना होगा, ये जो आप इधर फोटो देख रहे हो आपको इस फोटो को सिलेक्ट करना है। इधर पे नीचे थर्ड ऑप्शन क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक डिलीट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको प्लस के आइकन पे जाना है, जाने के बाद इधर पे आपको फ्रॉम गैली का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी आप अपने बैनर में जिसका भी फोटो लगाना चाहते हो आप उसका फोटो लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इधर से मैंने एक फोटो को लिया। फोटो लेने के बाद नीचे मैं इधर पे जो राइट का ऑप्शन उस पर क्लिक करता हूँ और अपने फोटो को जो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। जितना अच्छा दोस्तों आपका फोटो रहेगा उतना अच्छा आपका जो बैनर का लुक नजर आएगा, अच्छा लगे देखने में लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपने जिसका भी फोटो लगाया उसका आपको इधर पर नाम लिखना होगा। नाम लिखने के लिए आपको इधर पर करना क्या है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस पर जो डबल टैप करना है, डबल टैप करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे।
अभी इधर पर जो कुछ भी लिखा है उसको कट करके हटाना है आपको। उसके बाद अपने कीबोर्ड को जो हिंदी करना है कुछ इस तरीके से, उसके बाद आपने जिसका भी फोटो लगाया है आपको उसका नाम इधर पर जो लिखना होगा टाइपिंग करके। तो चलिए एग्जाम्पल लिए, जैसे मैं इधर पर आपको कुछ भी नाम इधर पर टाइपिंग करके लिख ले रहा हूँ। नाम लिखने के बाद इधर मैं नीचे जो एरो का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैं क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर मैं जो डन कर रहा हूँ, डन करने के बाद इधर मैं ओके करता हूँ। ओके करते ही जो मेरा टेक्स्ट इधर पे नाम यानी कि चेंजेस हो चुका है दोस्तों। तो आप इस तरीके जिसका भी फोटो लगा उसका नाम इधर पे जो आप लिख सकते हो। नाम लिखने के बाद दोस्तों नीचे मैंने टैगलाइन में जो पूर्व प्रधान डाला हुआ है, तो आप जो अपना टैगलाइन जो कुछ भी डालना चाहते हो आप इधर पर जो डबल टैप करोगे उसको वापस से आप यहीं पर आ जाओगे। जो कुछ भी लिखा है इसको कट करके हटाओगे और इधर पर आप जो कुछ भी अपना जो टैगलाइन में लिखना है आप वो लिख सकते हो। उसके बाद आपको डन करना है, उसके बाद ओके करना है। इतना करते ही दोस्तों आपको जो बैनर है बिल्कुल आसान तरीके से स्वामी विवेकानंद के जयंती का बैनर बनके तैयार हो जाएगा। तो जाइए दोस्तों आप भी बनाए पीएल फाइल का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो पासवर्ड तो आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।